वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। तो आज जो चैप्टर पढ़ा से चैप्टर रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रा सेकंड पार्ट आगोदु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस क्लास रे जोडा पढ़ीले दिस आर बेस्ड ऑन एलिफेटिक कंपाउंड थिला। आज जोडा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा जीवो दैट इज बेस्ड ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। त माने आज रो डिस्कशन जो लेक्चर रहइबो दैट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो बहुत सारा डेप्थ रही है। तो इतरो जो डिस्कशन रो लेक्चर से इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन रोटा को एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह जाए दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तापर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमनली तुम एलिफेटिक कंपाउंड रो हुए इट इज नॉट कॉमन इन एरोमेटिक कंपाउंड। जो गोटे एरोमेटिक रिंग रे कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए ना धर गोटे कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती गोटे एलिफेटिक कंपाउंड थाए 99% प्रोबेबिलिटी थी दैट इज दाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दब। बट जब से एरोमेटिक रिंग ही थाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन हम कमी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं एरोमेटिक रिंग रे कॉमन नुहे से विषय पढ़ा। नेक्स्ट में पढ़ा कंडीशन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग रे दबापाई व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड को कंडीशन बेस रे एरोमेटिक रिंग रे हबो रिएक्शन आउ को कंडीशन न मानिले से रिएक्शन दब नाही सेतरे डिस्कशन देखिबा। तापर देखिबा से रिएक्शन टा एक्चुअली को मेकानिजम फॉलो करी कि होउची ता बिषय देखियो दैट इज अला टू टाइप ऑफ मेकानिजम दैट इज ARSN1 आउ डाला ARSN2 एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आफ्टर दस एंडिंग हम बेंजाइन मेकानिजम व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा तुम विभिन्न बहर मिल पार इवन इट इज बेस्ड विथ एंट्रान्स एग्जाम एंड एज वेल एज CHSE एग्जाम। तो ये प्रथम तीन टा पार्ट रोचा तुम स्टडी कोर्सेस अच्छे यहाँ बट ये तुम लास्ट पर्सन टा कहली दीटा से तुम कोर्स ना बट आर क्लीयरनेस रहा दरकार कहीं ये जिते तुम्हें क्लीयर हम से तो तुम डेथ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज हे बट लास्ट वन जोटा बेंजाइन देली दैट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एंट्रान्स एग्जाम एज वेल एज योर फॉर काउंसिल एग्जाम। तो देखिए बर्तमान एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फर्स्ट देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके धर गोटे कंपाउंड नेली दिस इज क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन रे गोटे न्यूक्लियोफाइल नेटली हाइड्रोक्साइड आयन तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच तो आम कहींपर न्यूक्लियोफाइल तो दिस इज क्लोरोबेंजीन हालोरीन कंपाउंड। तो आम सिंपली कहींपर व्वेन ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट एन एटम फ्रम ए ग्रुप गोटे ग्रुप रु गोटे एटम को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वेस्ट एंट्री कले सीएल टा बाहरी गला पर प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हम तो CL माइनस ताले आमे कौन लिखि परिबा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डेफिनेशन राइट डाउन द डेफिनेशन व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट एन एटम फ्रॉम ए ग्रुप व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट एन एटम फ्रॉम ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिस इज नॉट कॉमन इन एरोमेटिक रिंग जमी एलिफेटिक रिंग इजिली तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एरोमेटिक आम एलिफेटिक रिंग रे कॉमनली हुए कि एरोमेटिक रिंग रे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कॉमनली हुए ना। तो कारण कौन ना तार फर्स्ट कारण ये गोटे क्लोरोबेंजीन नेली बेंजीन रे लोन पेयर अच्छा तुम्हें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अच्छे जान ताले लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मीन्स एटा होगा कंजुगेशन। कंजुगेशन मीन्स कौन हम रिजोनेंस रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन पोलराइज हे तो इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो सारापर कौन फॉर्मेशन हम कंपाउंड होगा डबल बॉन्ड ये सीएल हो दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फॉर्म एटा हम माइनस डबल बॉन्ड होगा। तो इम कंटिन्यू रिजोनेंस चलो अच्छा तो बर्तमान प्रथम पॉइंट हूँ कथा तर गोटे कंपाउंड आर एक्स अच्छे ताले आर को एक्स टा कौ बंड लगे सिंगल बंड आउ गोटे कंपाउंड लगे आर को लगे डबल बंड एक्स अच्छा तुम्हें जान सिंगल बंड लेंथ बेसी
जदि लेंथ बेसि हुए स्ट्रेंथ कौन थी कम स्ट्रेंथ जेहेतु कम ये बंड को भांगापी सहज हम तेल डबल बंड हेलू लेंथटा कौन हम कम स्ट्रेंथ ताले कौन हम बढ़े जन को चॉइस दिया कौ बंडटा को इजिली से भांगी पारे तेल से कौ ऑप्शन टा को क्लिक कर आर एक्स सिंगल बंडटा को तो ये कौन हो ना क्लोरोबेंजीन जेहेतु रिजोनान्स होफ्टर रिजोनान्स इट विल कन्वर्ट इनटू पार्शियल डबल बंड तो डबल बंड हेला तार बंड स्ट्रेंथ कौन हो इनक्रीज कर तो बंड स्ट्रेंथ जो बढ़ी तो न्यूक्लियोफाइल इट इज नॉट इजी टू ब्रेक डाउन दैट डबल बंड तो डबल बंड को ब्रेक कर पारिबो नाही ताले आमे कौन कहते जे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काहेकि प्रोबेबिलिटी कम काहेकि से हुए नाही तार प्रथम रीजन होउची आफ्टर रिजोनेंस इट विल कन्वर्ट इनटू पार्शियल डबल बंड दैट्स व्हाई इनक्रीज ऑफ बंड स्ट्रेंथ ड्यू टू द इनक्रीज ऑफ बंड स्ट्रेंथ एनी न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट ब्रेक डाउन दैट बंड बुझिला ताले फर्स्ट पॉइंट देखो जे रिएक्शन टा काहे हुए नाही आफ्टर रिजोनेंस आफ्टर रिजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड विल फॉर्म पार्शियल डबल बॉन्ड विल फॉर्म व्हिच इंक्रीज इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ जोटा तार बॉन्ड स्ट्रेंथ को इनक्रीज करे दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी कौन हुए कमी जाए अच्छा ये थिला तुम फर्स्ट पॉइंट जे व्हाई न्यूक्लियोफिलिक कैन नॉट टेक प्लेस इन एरोमेटिक रिंग अच्छा सेकंड पॉइंट को जीवा सेकंड पॉइंट रे देखो धर तुम हालो एरिन नेले इटा डबल बॉन्ड अछि एटि लागि ग्रुप तो ये एक्स ग्रुप जो कार्बन को अटैच है से कार्बन रो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते छि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज 3 तीनटा सिग्मा बॉन्ड रहू छि जदि तीनटा सिग्मा बॉन्ड रहइबो दैट मींस एटा को हाइब्रिडाइजेशन होबो तमरो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस इट्स s कैरेक्टर केते रहइबो तमरो 33.3% अच्छा आमे आगरो जानि छु फर्स्ट इयर रे जदि गुटे एलिमेंट रो s कैरेक्टर इंक्रीज करे दैट मींस इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एस परसेंटेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एस परसेंटेज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस जेहेतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कला दैट कार्बन विल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द हालोजेन हालोजेन को कौन कर जोर से अट्रैक्शन कर बॉन्ड स्ट्रेंथटा कौन हम इनक्रीज कर कितु जो सिंपल आम अल्काइल हेलाइड नौले गोटे मुझे नी मिथाइल क्लोराइड कार्बन हाइड्रोजेन 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 क्लोरीन तो ये कार्बन रो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के 4 दैट मीन्स आर हाइब्रिडेशन कौन sp3 एस कैरेक्टर के 25% जदि दुज को आम कंपेयर करवा आर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बेसी आर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम जब एस कैरेक्टर बेसी हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन हम बेसी मैंने भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हम बढ़ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हम बढ़ी कितु ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन थी कम से कमन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जेहेतु बढ़ला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कर पारे ना तो दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर अल आउट सेकंड पॉइंट लिखो सेकंड पॉइंट कार्बन इन एरोमेटिक रिंग सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट्स एस कैरेक्टर बा परसेंटेज ऑफ एस इज 33.3% ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एस परसेंटेज इट्स EN वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस EN वैल्यू इंक्रीजेस दैट्स वाई बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन एंड एक्स इंक्रीजेस बुझीला तले सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कौन कहली पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हम
सेकेंड पॉइंट हूँ तुम एस कैरेक्टर जेहेतु बेसी रोचे तो भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ो तार बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इनक्रीज कर तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर हुई इज डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थर्ड पॉइंट थर्ड रीजन जो कौ कारण पुणी थर्ड कारण जहाँफल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक रिंग डिक्रीज हो जा फास्ट कथा चलो यहाँ तुम एरोमेटिक रिंग लेट तुम मु हालोजेन को काढ़ी भी देली ये सब कंडीशन पर सीएल ग्रुप एलिमिनेट हो गला एलिमिनेट हो सारापर कौन फर्मेसन हम तुम ये कि चार्ज फर्मेसन हम प्लस हम रिंग रे कौन थी डबल बंड डबल बंड डबल बंड हाँ कि नापर किए अटाक कर तुम न्यूक्लियो फाइल अटाक कर तो न्यूक्लियो फाइल अटाक कर सारापर प्रडक्ट कौन होगा तो एन यू लगला हाँ कि ना तो आम सिंपली कहींपर गोटे न्यूक्लियो फाइल सीएल को रिमूव कला ता जगार लगला हाँ कि ना तो बर्तमान ये प्रोब्लेमटा कौन हो एटी प्रॉब्लम हो इंटरमीडिएट जो मझीटा फॉर्मेशन है दैट इज फिनाइल कैटायन अच्छा फिनाइल कैटायन प्रॉब्लम कौन है ना हियर द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन कार्बन ऊपर प्लस चार्ज अच्छी अच्छा जो कार्बन ऊपर प्लस चार्ज अच्छी इट्स नाइबर कार्बन इज एसपी टू आर नाइबर कार्बन भी एसपी टू क्लियर तो एसपी टू जदि रही है एस कैरेक्टर के 33.3% जदि एस कैरेक्टर बढ़ो तेल एगेन कौन बढ़ो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ो तेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जदि बढ़ो ये भी इलेक्ट्रोन टाण एपटू कार्बन भी इलेक्ट्रोन टाण तो दिज इलेक्ट्रोन टाणे तो पॉजिटिव चार्ज रु इलेक्ट्रोन ऑलरेडी तार प्लस अच्छी दैट मीन्स इलेक्ट्रोन डेफिसीयसी अच्छी पुणी इलेक्ट्रोन ताकूर टाणिले मैंने आहरी पॉजिटिव चार्ज कौन हम बढ़ो जिते पॉजिटिव चार्ज बढ़ो से स्टेबिलिटी तार कौन हम कम तो स्टेबिलिटी कम मैंने रिएक्टिविटी कौन हम कमिजी तो आम थर्ड पॉइंट कहींपर ड्यूरींग दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कैटायन द प्लस चार्ज अटैच टू एसपी टू हाइब्रिडाइज दे विथड्रो द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इट्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर इनक्रीज इट्स पॉजिटिव चार्ज व्हिच डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी बस सिंपली आम कहींपर द फिनाइल कैटायन व्हिच इज फॉर्म दैट इज वेरी अनस्टेबल दैट्स व्हाई इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीज बुझेगा तो थर्ड पॉइंट कथा गोटे ड्यूरींग दिस रिएक्शन फिनाइल कैटायन इज फॉर्म्ड व्हिच इज वेरी अनस्टेबल बुझीला ताले फर्स्ट पॉइंट पार्शियल डबल बॉन्ड सेकेंड पॉइंट एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड पॉइंट फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल फोर्थ पॉइंट देखो जोटा तार रिएक्टिविटी को डिक्रीज करसाइड कर हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कर क्लीयर डबल बॉन्ड को भांगू फिनाइल कैटायन अनस्टेबल थे भी रिएक्शन करूँ बा तुम पार्शियल डबल बॉन्ड हेले भी रिएक्शन करूँ आपरे भी धर रिएक्शन करा जाए तो वर्तमान देखो कौन हो ये सर्कलटा देखो बेंजीन रिंग रो दैट सर्कल रिप्रेजेंट थ्री डबल बॉन्ड केतटा तीनटा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करे तो तीनटा डबल बॉन्ड मीन्स बेंजीन रिंग कंटेन सिक्स डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन माने गोटे रिंग भितर तुम छा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज स्टेज रे थाय आम रिंग रे एमती रिप्रेजेंट करके रखू जदि छा इलेक्ट्रॉन गोटे कंपाउंड भितर डिलोकलाइज स्टेज रे रखिबो दैट एक्सप्रेस कर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीस गोटे इलेक्ट्रॉन रण रिच तो इलेक्ट्रॉन रिच माने आम कहींपर दिस इज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी कहींपर तो ये भी गोटे इलेक्ट्रॉन रिच ये भी गोटे इलेक्ट्रॉन रिच तो दिज सारा तो कि चार्ज हो गले सेम चार्ज तो सेम चार्ज थी कौन हम एट्राक्शन के रिपल्सन हम तो ड्यू टू द सेम चार्ज दे आर नॉट अट्रैक्टेड विथ ईच अदर दे रिपेल विथ ईच अदर तो एम भितर रिपल्सन फर्मेसन हम से ये आपको सब्स्टिट्यूट कर बुझीला फोर्थ पॉइंट लेख तेल फोर्थ पॉइंट कहीं हुए ना रिएक्शन बेंजीन रिंग कंटेन सिक्स डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन
6th delocalized electron. That's why it is a electron rich species. Same charge repel to each other. ताले फैक्टर कौन है ला फर्स्ट फैक्टर हो डबल बॉन्ड आप पाई रिएक्शन कमुची सेकंड फैक्टर कौन कहली तुम्हार sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ला जा फलर भी रिएक्टिविटी कमिला थर्ड फैक्टर कौन कहली तुम्हार फिनाइल कैटायन व्हिच इज वेरी अनस्टेबल रिएक्शन हबो नाही फोर्थ पॉइंट कौन कहली सेम चार्ज तुम बेंजिन रो भी जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी से चार्ज तो दिजण रिपल्सन करेंगे एट्राक्शन हम ना तो ड्यू टू दिस फॉलोइंग फैक्टर्स एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन मान कौन रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर रे ए रिएक्शन पॉसिबल हम ना बट ड्रास्टिक कंडीशन रे रिएक्शन हो पार व्हाट यू मीन बाय ड्रास्टिक कंडीशन मीन्स टेम्परेचर आउ प्रेशर लेवल को इनक्रीज करा जिवो जदि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर निया जाए ताले एरोमेटिक रिंग रे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेई पारिबो जेमति के एग्जांपल देखो ताले एमति का धरो बेंजीन रिंग रे ताले हमें जान लेले क्लोरो बेंजीन रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबो नाही किंतु हमें हुचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिया पई तो नै गली NaOH को मीडियम रो एक्वास मीडियम Na+ कोन हे गेला तमरो OH- ताले ओएच माइनस से कौन न्यूक्लियोफाइल तार न्यूक्लियोफाइल कौन कर तुम क्लोरीन को कौन कर रिप्लेस कर तो सीएल बारी गले ओएच जाइ लगी तो प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हो रे बेंजीन रही गला ये लगेगला कौन ओएच जो सीएल बाहर एन ए सहित मिसले कौन हम तुम एन ए सी एल हाँ कि ना ताले ये रिएक्शन करने टेम्परेचर एप्रोक्सीमेटली के दरकार 623 केल्विन आउ प्रेसर के दरकार 380 atm प्रेसर दरकार तो नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्शन हुए नहीं दैट रिएक्शन फेवर इन ड्रास्टिक कंडीशन ए पॉइंट को नोट करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक रिंग टेक प्लेस इन ड्रास्टिक कंडीशन ड्रास्टिक रो मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रूम टेम्परेचर रिएक्शन केबे भी हबो नाही तो दिस इज एग्जांपल अच्छा वर्तमान आम सब कौन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रे करिवो तो आर अल्टरनेट उपाय खोजा गला जे एते टेम्परेचर एते प्रेशर नो यूज करिकी केमिति तक आम लो टेम्परेचर रो भी रिएक्शन करि पारिबा तो तार फैक्टर खोजा गला को कंडीशन रो टेम्परेचर को आम डिक्रीज करि पारिबा अच्छा तो रिएक्शन काही की हो नाही सेटा जदि आम जाननबा ताले केमिति होबो तार उपायटा भर पडियो अच्छा काही की रिएक्शन हो नाही ना आम एटा जानि छ इलेक्ट्रॉन रिच ये भी गोटे इलेक्ट्रॉन रिच जदि दुटा रिच इलेक्ट्रॉन स्पेसीज था सामान चार्ज थाएर कौन हम रिपल्सन एट्राक्शन हम ना तो जदि मु एनी हाउ आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करदेवि माने नेगेटिव चार्ज को कमई देवी दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को बढ़ेबी जदि तेल गोटे प्लस को माइनस गोटे कौन करटाक कर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन रे भी हो पार कौन पॉइंट कहली बुझल ताल मत कौन करने पड़ो नाउ वी हैव टू डिक्रीज the electron density of benzene ring if you decrease the electron density then it will cause some attraction with nucleophile that means this temperature will be drop out the temperature da suddenly kon hobo kamibo acha to portan electron density mota kamaya padibo to electron density mu kamemi kemiti to normally to tala electron donating group achi aude electron withdrawing group achi electron donating nature dabo electron withdrawing nature nabo एमती तो रिएक्शन आ भितर होना तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगे दिल भितर ताले आर काम कौन इलेक्ट्रॉन एम देबे इलेक्ट्रॉन देले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी अच्छी आहुरी इलेक्ट्रॉन देला तो इलेक्ट्रॉन देले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आहुरी कौन हम बढ़ तो बढ़ मानते जहाँ भी ये टेम्परेचर रोला से 623 केल्विन रो भी रिएक्शन हेनी आहरी 800-900 केते केल्विन लगे कही हम ना तो ए भाया जिनस तो जमा रिएक्शन हम ही ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केस भूली जाओ तो जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रोइंग ग्रुप को आम लगे इलेक्ट्रॉन ये कौन कर बर्तमान रिंग रू कौन कर टाणी
जदि इलेक्ट्रॉन से रिंग रु टाणिला ताले डेंसिटी कोन हबो कमीबो डेंसिटी जदि कमिला ताले की ट्रांसफॉर्मेशन हबो पार्शियल पॉजिटिव जदि पार्शियल पॉजिटिव हबो ताले नेगेटिव ताको कोन करबो अटैक करबो एज अ रिजल्ट टेंपरेचर डिक्रीज करबो तो गुटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे के देखबा ताले धर बेंजीन रिंग लगेले एठी क्लोरीन अछि पारा पोजीशन रे गुटे मु NO2 लगे देले क्लियर तो रिएक्शन सेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करछि OH- माइनस रेसोइड रिएक्शन करली जेहेतु गुटे NO2 ग्रुप लागी छि तार टेम्परेचर सडनली 623 रु कमीबो दैट केते जइबो तमरो 433 केल्विन को पड़ै 623 रु चली आसला 433 केल्विन गोटे NO2 ग्रुप लागिला ताले आमे आहुरी चिंता गले जदि नंबर ऑफ NO2 बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को आमे लगेबा बेसी लगेबा गुटे रे की कमिला दुटा लगेला आहुरी कमी जइबो तीनटा लगेला आहुरी कमीबो अच्छा ता आगे रिएक्शन और कंप्लीट कर देबा तो बेंजीन Cl ग्रुप भारी गला OH नागी गला एटी NO2 एटी भारी गला तमरो Cl माइनस अच्छा दीटा जदि NO2 ग्रुप लगेबा धर बेंजीन अछि Cl एटी गुडे NO2 एटी गुडे NO2 अछि रिएक्शन सही न्यूक्लियोफाइल ताले दीटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहुरी इलेक्ट्रॉन टाणिबे डेंसिटी आहुरी कमीबो रिएक्टिविटी आहुरी बढ़िबो तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करिबो टेम्परेचर केते हबो 368 केल्विन को पळे आसी हला तो न्यूक्लियोफाइल आपको सब्स्टिट्यूट करके काट दबो तो प्रोडक्ट कौन गला तो बेंजीन एटी लगे OH एटी लगी NO2 NO2 प्लस हो गला Cl माइनस क्लियर जदि आउ गोटे NO2 ग्रुप लगे देवी अच्छा आउ गोटे NO2 ग्रुप जदि लगे तो टेम्परेचर एगेन कौन हम तुम डिक्रीज कर क्लोरोबेंजीन NO2 OH माइनस टू इलेक्ट्रॉन टाणिले डेंसिटी आहुरी कमी पॉजिटिव चार्ज आउट पड़ला तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके आर लिविंग ग्रुप को रिमूव करिवो तो फॉर्मेशन कौन हम तले बेंजीन लगी गला OH NO2 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 प्लस Cl माइनस अच्छा ये टेम्परेचर कौन वार्मिंग कंडीशन माने खाली टिके गरम कर दबो रिएक्शन हो तले बुझियला जेतले बेंजीन रिंग रो कोनोसे सब्स्टिट्यूट लागी नथिला क्लोरोबेंजीन ने जेतले रिएक्शन करूथिले टेम्परेचर बहुत हाई ड्रास्टिक कंडीशन होतला 623 केल्विन पाखा पाखी टेम्परेचर थिला किंतु जेते इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागिला टेम्परेचर जो धीरे 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 कोनला कमिला आर कारण कोन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टाणिला पॉजिटिव चार्ज बढ़िला प्लस को माइनस क्विकली अटैक कला फल टेम्परेचरटा ड्रप होगा बुझेगा सिंपल पॉइंट है तो तार जाक पॉइंटा गोटे विथ इनक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विथ इनक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन टा लिखि नब सबुका जहाँ लिखी थी विथ इनक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस व्हिच इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी व्हिच इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी क्लियर अच्छा वर्तमान गोटे मार्क क्लोरीन थिला तो ग्रुप जो लगोली कौ कौ लगे लगे ये पोजिशन टाक कौन कहती ऑर्थो यटा को कौन कहती पारा यटा को कौन कहती ऑर्थो मेटारे लगे ना आम सिंपली कही पारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे दैट विल अटैच एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ब्राकेट मेनसन कर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिखी थी सही ब्राकेट लिख ओ एंड पी पोजिशन ऑर्थो एंड पारा पोजिशन तो बर्तमान आम भितर गोटे क्वेश्चन एराइज है जो ऑर्थो पारा पोजिशन इफेक्टिव व्हाइट इज नॉट इफेक्टिव एट मेटा पोजिशन तो तार रिजन टा देख कहीं ऑर्थो पारा इफेक्टिव हो मेटारे कहीं से इफेक्टिव हो ना अच्छा कंपाउंड ये अच्छी ये धर क्लोरीन लगी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड धर मु गोटे तुमको एग्जांपल पारा रे नहीं लगे देखे रिजोनांस हम क्लोरीन रे लोन पेयर के तुमर तीनटा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ला अच्छा ताले फर्दर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन फॉर्मेशन हम ताले कंपाउंड रहा डबल बॉन्ड Cl ये कि चार्ज हम प्लस आउ दीटा लोन पेयर थी ये माइनस डबल बॉन्ड ये कि चार्ज एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव बॉन्ड ओ एन ओ टू पुणी फर्दर रिजोनांस करवा
इलेक्ट्रॉन पड़ा इलेक्ट्रॉन उठिला हाँ कि ना अच्छा फर्दर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है यही रहा कंपाउंड डबल बॉन्ड सी एल दिस इज प्लस ये लोन पेयर दीटा डबल बॉन्ड ये तुम माइनस ये हम तुम एन डबल बॉन्ड ओ डेटिव बॉन्ड ये तुम एनसर अच्छे अर्थर तेल नेगेटिव है पारा रे नेगेटिव है आ बेले रिजोनेंस कले आउ थरे कोटि हबो अर्थर ही हबो अच्छा ए जे नेगेटिव चाटा हला नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अछि ना नाही रिजोनेंस रो गोटे कांसेप्ट थिला बहुत सारा कंजुगेशन हम कहिथिले फर्स्ट ईयर रे कांसेप्ट सब सरी जे फर्स्ट ईयर तो रिजोनेंस रो गोटे कांसेप्ट थिला जदि कंजुगेशन थाय रिजोनेंस हबो मींस मेजोमेरिक इफेक्ट पड़िबो एटा हला माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मींस कंजुगेशन अछि माने एटा हला मेजोमेरिक इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन टा ये भितर टाणी आला बाहर को आड़ को जाते देला ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ताले कौन ये कमी जी ना यार कथा कौन बुझीपाल ना ताले तुम ये लगे भी टाणी ये लगे भी टाणी ये लगे भी टाणी तुम से पोजिशन को छाड़ी जदि ए मेटा पोजिशन लगे दि ये लगे दि एन डबल बंड ओ डेटिव बंड ओ ये पोजिशन लगेदेल क्लीयर ताल माइनास कई तुम अर्थर हो अर्थर हो पारा अच्छा बर्तन देख माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन अच्छे कि नहीं कंजुगेशन मीन्स माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एटा है कंजुगेशन माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन अच्छे कि मेटा पोजिशन रही कंजुगेशन रही कंजुगेशन रही माने मेजोमेरिक इफेक्ट पड़े ना कि इफेक्ट पड़े माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पड़े ताले ऑर्थो एंड पारा पोजिशन थिले को इफेक्ट पड़े माइनस आर जोटा को मेजोमेरिक इफेक्ट कह जाए मेटारे थे तुम कौ इफेक्ट पड़े माइनस आई तो मेजोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव बहुत इफेक्टिव स्ट्रंगली से इलेक्ट्रॉन को टाणे से रिएक्शन टा ऑर्थो पारा ही केवल फेवर कर मेटारे फेवर कर पॉइंट कदाले आफ्टर द रिजोनेंस इन हालोएरिन आफ्टर द रिजोनेंस इन हालोएरिन negative charge will form at ortho and para position at ortho and para position that's why it follows mesomeric effect it follows mesomeric effect mesomeric effect hence it will increase the reactivity it will increase the reactivity in case of meta position minus I effect will appear hala bujhi hala tale kon kon kahili bujhi parcho to bahut depth achi patha raj par ghati jio mundo hala to tumi bujhi jalo mu haule bitur ko pasi pasi chali hala acha next bartan tale ame aromatic ring re nucleophilic substitution reaction kar dele electron withdrawing group lagai dele ortho para re ता खेल खत्म करदे वर्तमान ए रिएक्शन टा एक्चुअली कौन के प्रोसेस रे हो आरो रिएक्शन रो जदि आमे देखिबा मेकानिज्म टा दैट विल फॉलोइंग टू टाइप ऑफ मेकानिज्म ए रिएक्शन टा दुई रक प्रोसेस रे मेकानिज्म फॉलो करे दैट इज होचो ए आर एफ एन वन गोटे आउट होचो ए आर एफ एन टू भल से बुझिबो एउटु कतरु जतिकी वर्तन पढेबी ए आर एस एन वन ए आर एस एन टू आउ बेंजाइन All have depth. बहुत सारा कंटेन्ट्स अच्छे भल से बुझे चलिए तो गोटे ए आर एस एन वन आउटाला ए आर एस एन टू आफ्टर दैट आम बेंजाइन डिस्कसन करवा तो ए आर एस एन वन फास्ट ए आर एस एन वन अच्छा ए आर र मिनिंगटा जो पचारे हो व्हाट इज स्टैंड्स फॉर ए आर एस एन वन तो ए आर मीन्स है एरोमेटिक एस रीन्स है सब्स्टिशन एन रीन्स है न्यूक्लियोफाइल वन रीन्स है यूनिमोलिकुला हाँ कि ना ताले आरो टोटल मीनिंग जदि आमे कहिबा एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो ताले इट स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक
एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबुठ इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट ए कॉमन रिएक्शन, दिस इज नॉट ए कॉमन रिएक्शन मेकानिज्म, कॉमन रिएक्शन मेकानिज्म माने सब भलिया कंपाउंड ए भलिया रिएक्शन मेकानिज्म होबो नाही, रिएक्शन मेकानिज्म ए भलिया सब कंपाउंड फॉलो करे नाही, ए आर एस एन वन सब भलिया कंपाउंड जायताई कंपाउंड होबो नाही, पार्टिकुलरली स्पेशल काइंड ऑफ कंपाउंड ए आर एस एन वन मेकानिज्म हुए। तो कौथरे होबो दैट कंपाउंड व्हिच कंटेन वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ताले कौथरे होबो जोउथरे भलो लिविंग ग्रुप थिबो, ताले दैट कंपाउंड the compound which contain very good living group, jothre bodhiya living group thibo sei bodhiya compound re reaction hobo, nole a reaction hobo nahi, ar sn1 mechanism। acha tale gote example mu dekhi paribi tomo syllabus anusar mu jodi jay tale gote hi compound dati jala bdc, BDC कौन बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, बीडी फिडी किसी कथा कहूनी मुझे बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कौन, दिस इज द स्ट्रक्चर एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एल माइनस, ए भोलिया कंपाउंड रे हुए तुम ए आर एस एन वन मेकानिज्म। तो बर्तमान ए आर एस एन वन मेकानिज्म पाई तुम जानी भर गोटे गुड लिविंग ग्रुप रहा दरकार। तो यहाँ गोटे गुड लिविंग ग्रुप केमिका देख, गोटे नाइट्रोजन एक्चुअली की बॉन्ड करवा कथा ट्रिपल बॉन्ड करवा कथा, जदि तुम तीन ऊपर को चार को जीव तार क्षमता रही है कि कैपेसिटी बाहर को पलि जीव, हाँ कि ना। तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड के तीन एक चार से चार्ज है प्लस, सी हाँपाई कौन चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल दरकार कौन इलेक्ट्रॉन, तो सी प्रबल मात्रा बॉन्ड को भांग मैं टाणी की खा नहीं जीव इलेक्ट्रॉन जो नब जब बाहर की तो पलैब ना तो चार्ज हम प्लस हो, तो प्लस है आउ तो ग्रुप तो जगिकी बस पशापी फाका हम मैंने से पशे तो ये भारी गला मैंने न्यूक्लियोफाइल पस क्लीयर तुम कौन जान लो दिस इज नॉट ए कॉमन मेकानिज्म, सब भाया कंपाउंड हुए ना ये गुड लिविंग ग्रुप दरकार। तो आर गोटे बेस्ट एग्जांपल देली कौन बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बिकज इट इज ए भेरी गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा तो बर्तमान आर रिएक्शन एक्चुअली आर मेकानिज्म केमिका हो तो से मेकानिज्म को आम देखा बर्तमान ए आर एस एन वन कंप्लीटेड इन टू स्टेप, दीटा स्टेप रे कंप्लीट हुए। स्टेप वन, स्टेप वन रे कौन हम बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड आम ने एन ट्रिपल बॉन्ड एन क्लीयर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो बर्तमान जेहेतु प्लस अच्छी इलेक्ट्रॉन से उठेला तर एन 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 टू गैस न्यूट्रल हो धुआ हो उड़ी जाए कि चार्ज हो तुम प्लस मन परीक्षार बेले बेले मागि दिए गोटे रिएक्शन दे थो ए रिएक्शन रो ए देला बी देला सी देला सी तले लगे थी कलरलेस गैस से सी तले जो कलरलेस गैस दैट इज एन टू गैस से कहार अर्थ ये धुआटा दैट इज कलरलेस परीक्षा पचारे। अच्छा जो फिनाइल कैटायन फॉर्मेशन है बर्तन से फिनाइल कैटायन को तुम किए अटैक कर तुम न्यूक्लियोफाइल एन यू माइनस अटैक कर एज ए रिजल्ट विल गेट द करेस्पंडिंग प्रोडक्ट। तो दीटा स्टेप हम स्टेप वन एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेप टू एंट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल, प्रथम स्टेप रे बाहर द्वितीय स्टेप रे पशि बुझीगला। अच्छा तो ये थिला तुमर स्टोरी ऑफ ए आर एस एन वन यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो मेकानिज्म रो स्टेप ऑफ प्रोसेस। तो वर्तमान आम जीवा सेकेंड स्टेप मेकानिज्म दैट इज ए आर एस एन टू मेकानिज्म, ए आर एस एन टू। अच्छा ए आर एस एन टू रो माने कौन, व्हाट यू मीन बाय ए आर एस एन टू, ए आर एस एन वन जदि जानिछ तुम्हें ए आर एस एन टू भी तुमको आसो, ए आर माने कौन एरोमेटिक, एस माने सब्स्टिट्यूशन, एन माने न्यूक्लियोफाइल, टू माने बायमोलिकुलर, ताले आर टोटल मीनिंग कौन है ताले एरोमेटिक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ताले इट स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक बाइमोलिकुलर एरोमेटिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक
मलिकुलार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एनो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स छोड़ो, दिस इज कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कॉमन कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। से कहूँ जे ए भलिया रिएक्शन प्राय तो सब एरोमेटिक कंपाउंड रे पॉसिबल हुए, जत्ते एरोमेटिक कंपाउंड सेल्टी कोई देली गोटे दैट इज अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ताकू छाड़ी दियो, आउ जत्ते सब कंपाउंड रहइबो जो तो लिविंग ग्रुप भलो नथिबो से माने फेवर करियो को मेकनिजम ताले ए आर एस एन टू हला। तो ए आर एस एन टू इज कॉमन माने हालोजन में जो पढ़ुचे जो तुमको पचारिबो क्लोरो बेंजीन को टाइप मेकनिजम फॉलो करे दैट इज अला ए आर एस एन टू। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को टाइप रो मेकनिजम फॉलो करिबो ए आर एस एन वन हाँ कि ना। तो वर्तमान आर रिएक्टिविटी आम क्या डिपेंड करिबो क्लियर, तो ए आर एस एन टू रो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड लिविंग ग्रुप, गुड गुड लिविंग ग्रुप जदि गोटे कंपाउंड रो लिविंग ग्रुप भल थाए मैं आराम से बाहरी हो कष्ट करवाक हेनी बाहर पर तो से भाया रिएक्शन बहुत बढ़िया हे कहीं तो बाहरी गले आज जो धड़ाधड़े पशिजना जदि बाहर नथ तो कष्ट होना ना, तो से भाया कंपाउंड जो थे लिविंग ग्रुप भल थाए से रिएक्शन बहुत फास्ट हो। अच्छा तो ये गोटे भल कथा, आउ गोटे भल कथा होची जदि से कंपाउंड रो माइनस आई ग्रुप थाए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थी ताहले भी रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम फास्ट हम क्लियर, ताहले गुड लिविंग ग्रुप थी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हम, माइनस आई ग्रुप थी इलेक्ट्रॉन टाणी इलेक्ट्रॉन टाणी कौन हम नेगेटिव चार्ज कम तो न्यूक्लियोफाइल कौन हम पसब ना, तो वर्तमान एथे भी रिएक्टिविटी बढ़ो। आउरी गोटे कंडीशन माइनस आर ग्रुप एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, जदि माइनस आर ग्रुप ऑर्थो और पारा पोजिशन भी लगे ताहले भी रिएक्टिविटी बढ़ो। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जे ए आर एस एन टू रिएक्शन इंक्रीजेस विथ गुड लिविंग ग्रुप विथ माइनस आई ग्रुप विथ माइनस आर ग्रुप एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन बुझीगला। अच्छा तो वर्तमान देखा तो मेकानिजम जे ए आर एस एन टू मेकानिजम का एक्चुअली होउछ केमितिका, देखो ये भी दुटा स्टेप हम गोटे स्टेप वन वो स्टेप वन हम कौन तुम न्यूक्लियोफाइल पसब, स्टेप टू लिविंग ग्रुप बाहर से कौन होता स्टेप वन लिविंग ग्रुप बाहर स्टेप टू न्यूक्लियोफाइल पसुला आर रिवर्स आगे न्यूक्लियोफाइल पसब द्वितीयटार लिविंग ग्रुप बाहर। अच्छा स्टेप वन केमती हूँ देखा अच्छे कंपाउंड अच्छी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगी लिविंग ग्रुप एटाक कला तुम न्यूक्लियोफाइल एटाक कला पाए बॉन्ड भांगी गला हेगला ताले कौन फॉर्मेशन है रे यही कंपाउंड रहा। अच्छा नुआ ग्रुप पसला किए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन टा उठिला नेगेटिव ये अच्छे डबल बॉन्ड ताले माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन कंजुगेशन थी कौन हुए रिजोनांस रिजोनांस मैंने इलेक्ट्रॉन घूर कौटी रिंग भितर तो इलेक्ट्रॉन रिजोनांस है इलेक्ट्रॉन घूरला तो इलेक्ट्रॉन जदि घूर नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन हम ताले एटा रहा तुम लिविंग ग्रुप एपटे लगला न्यूक्लियोफाइल ये डबल बॉन्ड दिस इज माइनस दिस इज डबल बॉन्ड पुणी फर्दर रिजोनांस है तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन फॉर्मेशन है रे कंपाउंड रहा ये लगला लिविंग ग्रुप ये लगला न्यूक्लियोफाइल ये तुम डबल बॉन्ड ये तुम कौन सरी डबल बॉन्ड थिला डबल बॉन्ड ये नेगेटिव तो एतिटी मुझे हाइब्रिड फॉर्म रे कन्वर्ट करी तो हाइब्रिड फॉर्म रे कौन हम ये रहा लिविंग ग्रुप लगी न्यूक्लियोफाइल लगी इलेक्ट्रॉन टा यू घूरी 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 एतक पर्यंत जातकी घूरी मुँह भी से घूरदेमी देखिए कि चार्ज हो माइनस सेकदेमी है यू कहती कि फॉर रिजोनांस हाइब्रिड कौन कहती रिजोनांस हाइब्रिड ताले स्टेप वन न्यूक्लियोफाइल पसब रिजोनांस हम पार्लापर वी कैन गेट रिजोनांस हाइब्रिड फॉर्म है तो स्टेप वन सरलापर स्टेप टू स्टेप टू रे कौन हम तुम यही कंपाउंड अच्छी ये लगी तुम लिविंग ग्रुप ये लगी न्यूक्लियोफाइल ये तुम माइनस यहाँ रिजोनांस कौन हाइब्रिड है तो वर्तमान लिविंग ग्रुप बाहरी जीव तो माइनस एल जि लिविंग ग्रुप बाहर तो लिविंग ग्रुप बाहर सारापर आउ बाकी रहा कौन तुम न्यूक्लियोफाइल तेल होगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल
बुझिपाल दिस इज द भेरी फास्ट स्टेप रिएक्शन बहुत द्रुत हम दिस इज ए स्लो स्टेप रिएक्शन एटा धीरे धीरे हम जदि तुमको पचारे व्हिच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ताले जोटा धीरे दैट विल डिसाइड द रेट केते टाइम रे सरिबो से ही डिसाइड करिबो जोटा धीरे धीरे होचु जेटा द्रुत हो तो सांगे सांगे रिएक्शन सरिजिबो धर गोटे रिएक्शन दस मिनिट लगला ये चल जाइथिबो नौ मिनिट ये लगे गोटे मिनिट ताले रिएक्शन रो टाइमिंग टा का पर डिपेंड कला स्टेप वन तेणु जन जो पचारे व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज हला स्टेप वन बुझला स्टेप वन मीन्स एंट्री ऑफ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल लगे तुम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन हम बढ़ बुझीगला बेंजाइन अच्छा बेंजाइन लास्ट ऑफ द मेकानिज्म बेंजाइन मेकानिज्म अच्छा हमें तो जानी गले गोटे हालो आरिन रे बा एरोमेटिक कंपाउंड रे ए आर एस एन वन हम बा ए आर एस एन टू हम तो बेंजाइन मेकानिज्म केते हम जोटा बारंबार बारंबार तुम एग्जाम पचार तो बेंजाइन मेकानिज्म अच्छा बेंजाइन टा देखापी केमिका आगे देखनी हो क्या देखा जाए बेंजाइन टा देखापी एमिका माने बेंजिन थी डबल बॉन्ड दुटा थी गोटे कार्बन रे ट्रिपल बॉन्ड थी दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन दिस इज ए इंटरमीडिएट मध्यम अवस्था माने प्रोडक्ट फॉर्मेशन रो पूर्व अवस्था रिएक्टेंट परे प्रोडक्ट पूर्व दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट दिस इज वेरी अनस्टेबल बहुत अनस्टेबल से खुजु थो किए सहित रिएक्शन कर तो ये फटाफट रिएक्शन करके प्रोडक्ट कन्वर्ट है क्लियर तो यही मेकानिज्म मूव करवा भाया मेकानिज्म केते बेले हम ए आर एस एन वन कही एस एन टू कही तो ये कौ टाइप मेकानिज्म केते बेले ये फॉलो कर तो ए रिएक्शन जाइता ही कंपाउंड रे हम ना स्पेशियल टाइप ऑफ कंपाउंड रे हम आ स्पेशियल कंडीशन थिले हम स्पेशियल कंडीशन कौन ना से कंपाउंड रे गोटे तुम कौन थी एटलिस्ट अन अल्फा हाइड्रोजन दरकार अति कम रे गोटे अल्फा हाइड्रोजन रहिबा दरकार अल्फा हाइड्रोजन माने कौन रे धर तुम क्लोरो बेंजिन नेली आर एटा दिस इज अल्फा पोजिशन रो हाइड्रोजन को की हाइड्रोजन कहती अल्फा हाइड्रोजन माने गोटे कंपाउंड रहिबा दरकार कौन अल्फा हाइड्रोजन केईटी तुम अल्फा पोजिशन क्लीयर आ गोटे सेकेंड कंडीशन कौन सेकेंड कंडीशन हूँ गुड बेस बा स्ट्रंग बेस बेस ए रिएक्शन पई गोटे बढ़िया बेस दरकार बढ़िया बेस लाइक कौन तुम सोडामाइड एनएनएस टू बा तुम के एनएस टू इन लिक्विड एमोनिया ए कंडीशन जदि थाए माने अल्फा हाइड्रोजन थी स्ट्रंग बेस जदि थी ताहले तुम कौ मेकानिज्म हम बेंजाइन ए आर एस एन वन कि ए आर एस एन टू स्वप्न स्वप्न रे रही से रिएक्शन से हम ना ये हम तुम बेंजाइन क्लीयर तो बर्तमान गोटे मुझे करके देखा आगे बेंजाइन मेकानिज्म अच्छा धर गोटे कंपाउंड यही नी बेंजीन डबल बॉन्ड क्लोरीन नहींगली सोडामाइड एन ए एन एच टू अच्छा एन एन एच टू भांगे कौन हम एन ए प्लस कौन हम एन एच टू माइनास आम जाचे एन एच टू गोटे कौन गुड बेस बढ़िया बेस प्रोटोन नवार धुरंधर तो गोटे सी नब कौट नब प्रोटोन अल्फा हाइड्रोजेन जो तुम बे ये अच्छी तार अल्फा पोजिशन गोटे हाइड्रोजेन को एब्सट्रैक्ट कर तो अच्छा यहाँ कोमती आई बन टाक एमती है तो हाइड्रोजेन ये एब्सट्रैक्ट करनेला तो इलेक्ट्रोन टा पोलराइज हो तो याडो सीएल ग्रुप बाहरी है तो सीएल ग्रुप बाहरी गला कौन कंपाउंड एठे हेगला ट्रिपल बॉन्ड हेगला एठे डबल बॉन्ड एठे डबल आउ ये कौन हेगला तमर कौन हेगला सीएल माइनस वाला एठे एनएच प्लस जोगी की बसती तो रिएक्शन हेगले कौन हबो तमर एनएससीएल हे जीवो आउ एनएस टू एच नै कि कौन हेची एमोनिया कौन हेची एमोनिया एटा को कौन कह जाय तमर बेंजाइन अच्छा बेंजाइन काई केला त जानि गलो कौन पई ना अल्फा हाइड्रोजन थिला आउ गुड बेस थिला रिएक्शन है ला। अच्छा तो बर्तमान कौन हम से कंपाउंड टाक आम ना बेंजाइन नहीं ने कंपाउंड टा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड
बेस के अच्छी तुम एनएच टू माइनास अच्छी हाँ कि ना तो एनएच टू माइनास अटाक कर अच्छा एनएच टू माइनास आसला कौटू ना से जे एमोनिया थिला एच एनएच टू कौन थिला एच एनएच टू एनएच थ्री भांगी दिली एच एनएच टू एटा को भांगी देवी एटा एच प्लस एनएच टू कौन जीव माइनास से एमोनिया रु फारिला एनएच टू माइनास तो एनएच टू माइनास आइदर एठी अटाक करी पारे और आइदर एठी अटाक करी पारे हाँ कि ना पॉइंट टाक भल से बुझ लिविंग ग्रुप जेठी अछि सेई पोजीशन को जदी डायरेक्ट अटैक करे माने जोठो लिविंग ग्रुप हारिची सेईटे को जदी न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो से बलिया सब्स्टिट्यूशन को कहंती डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिविंग ग्रुप जोठी बाला न्यूक्लियोफाइल सेईटे अटैक कला बार थिला लिविंग ग्रुप केटी तमरो टॉप रे थिला से टॉप पोजीशन को अटैक करले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जदी ता नाइबर पोजीशन को अटैक करे दिस इज कॉल्ड एज सिमी सब्स्टिट्यूशन कण सिमी सब्स्टिट्यूशन तो इटे दीदीटा रिएक्शन आबा गुटे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आउ गोटे सिमी सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द एक्जाक्टली सेम पोजिशन अफ द लिविंग ग्रुप आउला तुम न्यूक्लियोफाइल इफ अटैक एट द नाइबर कार्बन अफ द लिविंग ग्रुप देन दिस इज कॉल्ड एज सिमी सब्स्टिट्यूशन है तो बर्तमान ये भी अटैक कले जहाँ हम ये भी अटैक कले से भाया प्रडक्ट हम तो रिएक्शन टाइम मुझे देखा नहीं गली बर्तमान कंपाउंड ये अच्छे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अच्छा एन एच टू माइनस ये अटैक कला ताले टा की सब्स्टिट्यूशन हेला रे तमरो सिमी सब्स्टिट्यूशन पाई बॉन्ड ए भांगी गला तो फॉर्मेशन कोन हे गला कंपाउंड रही गला डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एटी नागी गला किए तमरो NH2 इलेक्ट्रॉन उठिला ऊपर को ताले टा की चार्ज हेतिओ माइनस माइनस को बर्तन किए आक्रमण करिवो तमरो H+ ताले प्रोडक्ट कोन हे गला तमरो कंपाउंड एटी नागी छि तमरो NH2 दिस इज योर प्रोडक्ट हला जदि एटा सिमी नय ये डायरेक्ट हेतांदा तर डायरेक्ट कौन होता देख यहीला बेंजाइन ये अच्छे ट्रिपल बॉन्ड अच्छा बर्तमान एनएच टू माइनस डायरेक्ट मान लिविंग ग्रुप जो सेटा कला पाइ बॉन्ड भांगा एपट को उठी आसला तो प्रडक्ट कौन होगा तुम कंपाउंड ये लगेगा एनएच टू डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इटा माइनस तो बर्तमान एच प्लस अटैक कर तो प्रडक्ट कौन हम सेम एनिलीन प्रडक्ट है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहा प्रडक्ट सिमी सब्स्टिट्यूशन रो सेम प्रोडक्ट बट आम कौटा को फेवर करवा दैट इज सिमी सब्स्टिट्यूशन इन द रिएक्शन है तो आज जो लेक्चर थिला एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौ कंपाउंड हुए कौ कौ कंडीशन रे हुए कौन तार मेकानिज्म से सब विषय डिटेल डिस्कसन कले भलसे पढ़ मन रख नोट को मेक कर थैंक यू।